अच्छा सुनो, आज तो मुझे आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। हाँ, बस ऐसे ही शुरुआत होती है किचन का काम सिखाने की। पता नहीं ये विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। यहाँ तो 100 किलोमीटर दूर ससुराल जाना हो तो 5 बैग और 2 झोला लटकाना पड़ता है। महिला अपना घर छोड़ के आती है, अच्छी बात है, मगर पुरुष भी एक अनजान महिला को अपना घर सौंप देता है, ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। ग्राहक बोला, वाह क्या ढाबा है। ऑर्डर देते ही दाल फ्राई हाजिर। वेटर, जी सर, जब ग्राहक को मेनू देखते हुए 10 मिनट के ऊपर हो जाए तब हम दाल फ्राई बना लेते हैं। ग्राहक बेहोश। संता बोला, यार चाय फायदा देती है या नुकसान? बनता, कोई पिला दे तो फायदा है, पर पिलानी पड़ जाए तो नुकसान। मैडम बोली, बताओ स्त्री और पुरुष में कौन उत्तम है? पप्पू ने जवाब दिया, पुरुष। मैडम बोली, साबित करके बताए। कैसे? पप्पू बोला, मैंने आज तक किसी स्त्री का नाम उत्तम नहीं सुना। मैडम बेहोश। बीवी के मायके की बुराई करे और पाए अपने खानदान का गौरवशाली इतिहास जानने का सुनहरा मौका, वो भी बिल्कुल फ्री। बोल चाल ही बंद हो गई बीवी से जब मैंने उसकी फेसबुक फोटो पे बढ़िया लिखने की बजाय बुढ़िया लिख दिया। फिर हुआ मोहल्ले में तमाशा। आज सवेरे सवेरे वो हमें, हम उन्हें और लोग हमें देखते रहे। पति पत्नी के झगड़े के बाद पति बोला, मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। पत्नी बोली, समझदार औरत कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। पति, बस मुझे यही साबित करना था। पत्नी बेहोश। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होके पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी बोली, अब मैं 10 तक गिनती करूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं तुम्हें हमेशा छोड़ के चले जाऊंगी। पत्नी, 1, 2, 3, 4, 8। पति खामोश रहा। पत्नी, 9। पति फिर भी चुप रहा। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती गिन गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं तो सच में ही घर छोड़ के जाने वाली थी। चलो चुटकुलों के बीच में एक सवाल बताइए। माना कि लड़की की उम्र 20 वर्ष है तो लड़की के पिता का क्या नाम है? लगाओ दिमाग और बताओ कमेंट करके। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रास्ते में टायर पंचर हो गया। इधर पति ने टायर बदलना शुरू किया, उधर बीवी की किचकिच शुरू। हवा कम है, टायर पुराना हो गया ना, स्टेपनी वाला टायर तो बराबर है ना, कील तो नहीं घुसी। तभी वहाँ से जाते एक बाइक सवार ने बाइक रोक के पति से पूछा, मैं कुछ मदद करूँ? पति बोला, तू थोड़ी देर इससे बात कर ले, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। गणित के टीचर ने बच्चे से सवाल पूछा, मान लो किसी दिन तुम्हारी भैंस ने दूध नहीं दिया और तुम्हें घर आए मेहमानों को चाय पिलानी है तो फिर क्या करोगे? बच्चा बोला, जी सर जी, बाजार से दूध खरीद के ले आऊंगा। टीचर मुस्कुराते हुए, वेरी गुड, अच्छा मान लो घर की भैंस की दूध की कीमत है 40 रुपए लीटर और बाजार से मिलता है 50 रुपए लीटर, तुमने दूध लिया दुकान से एक पाव जिसमें दूध वाले ने पहले से 60 ml पानी मिला रखा था, तो तुम बताओ तुम्हें कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? कोई जवाब न दे पाने पर मास्टर ने उस बच्चे को धूप में मुर्गा बना दिया। फिर गुरुजी ने दूसरे छात्र से वही सवाल पूछा। छात्र बोला, जी अपने चाचा के घर से दूध मांग के ले आऊंगा। टीचर बोला, मान लो उनके घर भी दूध नहीं है तो? छात्र बोला कि पड़ोस वाली मौसी से ले आऊंगा। टीचर गुस्से में आके, उनके घर भी ना मिला तो? छात्र, मास्टर जी मैं पूरे गांव में सबके घर बारी बारी से जाऊंगा और दूध मांग के ले आऊंगा, और यदि दूध फिर भी ना मिले तो मैं मेहमानों को नींबू वाली काली चाय पिला लूंगा, लेकिन मैं दूध खरीदने बाजार हरगिज नहीं जाऊंगा।
एक सच बात, रास्ते पे कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहन के उस पे चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं।